माय गॉड, तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। What's up guys, good morning, welcome to my new vlog। और आज का vlog जो है वो नए घर के नाम, क्योंकि shifting का हो गया time, घर हमारा complete हो गया। दो तीन चीजें जो most important वो रह गई हैं, जैसे कि फ्रिज, किचन कंप्लीट है लेकिन फ्रिज नहीं आई है, रूम कंप्लीट है, बेड बन गया लेकिन मैट्रेस नहीं आए, अब मैट्रेस नहीं है तो सोएंगे कैसे, और तीसरा वॉशिंग मशीन, जब वॉशिंग मशीन नहीं होगी तो कपड़े कैसे धुलेंगे। तो ये तीन चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी रह गई हैं, आज हम वो लेने जा रहे हैं। और नए घर के लिए हमने शॉपिंग करी थी, मैंने एक व्लॉग भी डाला था कि नए घर की शॉपिंग स्टार्ट हो गई, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो जो हमने चीज़ें खरीदी हैं वो हम लेके जा रहे हैं यहाँ से उस वाले घर में। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं नए वाले घर। ओके, तो पहुँच गए हम अपने घर, और आज तो देखो गाड़ी भी हमारी अपनी पार्किंग में खड़ी करी है हमने, क्योंकि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और पार्किंग स्पेस खाली कर दी इन्होंने। डू यू फील सर? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने घर के आगे पार्किंग में गाड़ी पार्क करी आपने? वो बॉस खड़े हैं। ओ बॉस, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल भैया? बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। क्या स्टाइल बदल दिया? हाँ, घर बनाते बनाते आप और स्टाइलिस्ट हो गए हो, ये कहो। मैम आपका असर तो आना ही है। ओए होए होए, दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। दिन में भी लाइटें ऑन है, आपको दिखा रहे हैं ऑन करी है सारी, नहीं ऊपर भी ऑन थी ना। अच्छा, ये हमारे वेलकम के लिए। बड़े दिन बाद आप आए। सही बात, आप बुलाते ही नहीं हो ना। अरे वाओ, ये भी लग गई। अच्छा, ये भी हो गया क्लीन। टार्नर और टार्नर का वाओ, ये थोड़ा सा वो सेटिंग वैसे तो करा ही, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा शैंडलियर थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, देखा आते ही मैंने पकड़ लिया। ओहो क्या ही बात है, ब्रेकफास्ट काउंटर, वाओ। ये गोल्डन निकल रहे अभी वो, हाँ अभी हमारी हॉब रह रही है, ये पूरी गोल्डन होनी चाहिए ना। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। अब ये मलन साहब ये नहीं बोलेंगे, दिस इज माय चॉइस, दिस इज माय चॉइस। तो ये सारी चॉइस है, तो मेरी चॉइस है ये, देखो सबसे बड़ी चॉइस ये। और जिस काम के लिए हम आए हैं वो ये, यहाँ पे हमारी फ्रिज, ये स्पेस खाली है, बाकी तो हमारी पूरी किचन, वाओ ही हो गई। अभी घर का थोड़ा ले लेते हैं ना टूर, उसके बाद जाएंगे फ्रिज लेने। ब्रेकफास्ट काउंटर की चेयर्स भी लग गई, ये देखो बेड लग गए हैं पर मैट्रेस आने बाकी हैं। बेड साइड पे लाइट भी लग गई यार, फैन भी लग गया, हमारे रूम में ही फैन है। और ये वाह, हम ऐसे ही बैठेंगे, क्या ही बात है, है ना। और नया क्या है, डाइनिंग टेबल। यस, तो सब लोग कहते हैं ना कि आप घर पे बेड पे बैठ के खाना खाते हो, तो अब ये सब बंद हो जाएगा यहाँ आके। ये देखो ये हमारा डाइनिंग टेबल, यस है ना, मस्त 8 सीटर, 4 तो हम हैं और 2 हमारी बहुएं भी आएंगी और 2 हर्ष और प्रेरणा, तो 8, वी आर 8 मेंबर फैमिली। ये नहीं बना हुआ था, ये हमारी पिट, यहाँ पे बैठ के हम टीवी देखेंगे। आइए 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 सर, आइए आइए सर, आइए ज्वाइन कीजिए कॉन्वर्सेशन पिट, सबसे पहली कॉन्वर्सेशन यहाँ सर। 75 या 65 मिनिमम, और यहाँ पे लगेगा 75 टीवी। और अब ये फाउंटेन भी चल रहा है, लास्ट टाइम नहीं चल रहा था। देखो एक हमारी कॉन्वर्सेशन पिट वो है, और एक हमारी कॉन्वर्सेशन पिट ये है। और लास्ट टाइम मतलब ये वाली डिस्कशन हो रही थी ना कि वॉशिंग एरिया है तो ये कवर्ड होना चाहिए, तो इसलिए शेड भी डल गई। और ये कॉन्वर्सेशन पिट होगी, और ये हमारा जो है ये आउटर बाथरूम, कि मतलब जो कोई आता है बाहर से तो ये कॉमन वाला,
तो इसमें ये देखो कितना स्टाइलिश हमारा वॉश बेसन। ये तो बेसमेंट में चलते हैं और बेसमेंट में हमारा ओ ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसको ऐसे देखिए ना। हाँ वाओ, ये पहले नहीं लगा हुआ था ना, पहले प्लेन थे। जिम में मशीन की कमी है, मशीन तो वो ही लेंगे ना दोनों जने, हमें तो पता नहीं कौन सी मशीन चाहिए, तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। और माय गॉड, तो बहुत सुंदर लग रहा है, थिएटर अच्छा है। अच्छा मतलब आप यहाँ लेट के अभी चलाने वाला नहीं आया क्योंकि हमें चलाना नहीं आता। अच्छा अभी वो आएगा एक बार। आपने कहा कि ऐसे ही लेट के। अच्छा ये चलेगा अभी और क्या, मूवी चलती है मैम, अब आप देख सकते हो। अभी तो वेरी फंक्शनल। कौन सी मूवी देखनी है? ओहो फील द थिएटर, वाओ। आज तो सारी चेयर्स पे बैठ के देख रही हूँ मैं। थिएटर तो बन गया लेकिन थिएटर को ऑपरेट करना नहीं आता तो फिर फायदा ही क्या। डेमो सेशन बेचारे कह रहे हैं हम दे देंगे। अरे वो तो एक बार डेमो ले लेंगे ना जब वो करेंगे, वो पूरा आएगा। तो आज बुलाना चाहिए था ना, आज हम आए हैं तो हम डेमो ले लेते। अरे डेमो तो फिर बच्चों के साथ आएंगे ना उस दिन। देखना मैं ऐसे पूरी लेट गई, ये तो आइनॉक्स वाली चेयर से भी ज्यादा वो पीछे जा रही है। लगा स्टार्ट ऑपरेशनल हेड है ये। जो भी है आप स्टार्ट तो करने वाले हो ना। बाहुबली दिखानी है। तो फाइनली हो गया स्टार्ट। तो अभी ये ना कह रहे हैं कि बाहुबली दिखाते हैं, मैंने कहा हम दो तीन जगह जब ट्राई करने गए थे ना थिएटर का होम साउंड जो भी है स्पीकर्स वगैरह, तो सब ने हमें बाहुबली दिखाई थी, तो हम यहाँ पे अब बाहुबली नहीं देखेंगे, कोई और दिखा दो मूवी हमें। इसमें आपको ही बिठाएंगे सर। मैंने बैठने को बोला, लेटने को नहीं। ये तो अभिषेक के लिए ठीक है क्योंकि उसको ही लेटना होता है। इसमें सर मोबाइल तो दो, पहले बस बता दूं कैसे आ जाऊंगा, डायरेक्ट चार्ज हो। हाँ इनको तो ज्यादा जरूरी चाहिए होता है हर टाइम, इनकी 100% भी हो तब भी इन्होंने चार्जिंग पे लगाना है। अरे वाह, तो सीट्स पे चार्जर लगे हुए हैं तो मलन साहब को तो फायदा ही हो गया। कैरी नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं नहीं कहीं चार्जर नहीं कैरी करना पड़ेगा। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये मैं आपको फर्स्ट फ्लोर की ऐसे दिखाऊं लुक, ये है फर्स्ट फ्लोर। ये लाइट्स भी लग गई, ये भी लग गई, इसमें भी फैंस लग गए। बाहर तो वो कह रहे थे कॉन्वर्सेशन पिट में 75 इंची का, तो यहाँ तो मुझे लग रहा पता नहीं 100-200 इंची का लगेगा टीवी, ये तो बहुत बड़ा है। तो मलन साहब तो अभी ना केबल वाले से बात कर रहे हैं क्योंकि नेट भी तो लगवाना है, तो वो नेट वाला आया हुआ है उससे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो आपको दिखाती हूँ कि सेकंड फ्लोर पे नया क्या है। ये देखो ये वॉलपेपर पहले नहीं था, ये कंसोल टेबल और ये पहले नहीं थे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा शैंडलियर। आपको ये वाली स्टेयर्स मैं चढ़ के दिखाऊं, यहाँ पे ना मतलब बिल्कुल टॉप पे सारी पानी की टंकियाँ, एक यहाँ पे शेड भी डलवा दिया सारी हमारी टंकियाँ, और ये हमारा 0B का वाटर सॉफ्टनर, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे पानी जो है ना वो थोड़ा हार्ड वाला पानी आता है। और ये एक ये एरिया नहीं हमने दिखाया था, ये सिटिंग एरिया सेकंड फ्लोर का। वाओ ये पफीज भी लग गई और सोफा भी लग गया, और ये चीज तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो सेकंड फ्लोर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बहुत सुंदर बना है भाई। इतना बड़ा शैंडलियर मतलब ऊपर से नीचे तक, इसको तो मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो अब यही मतलब चिंता हो रही है कि सारा ये वाइट हाउस बन गया, बिल्कुल वाइट हाउस, और इतना बड़ा जो शैंडलियर लगाया है इसको मेंटेन कैसे करना है।
वाइट मार्बल, वाइट ये तो मतलब शिफ्ट होने से पहले ही हवा टाइट हो रही है। जो सामान हम लेके आए थे वो समझ नहीं आ रही कि रखना कहाँ है। ये देखो कितनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, ये रख दो रख दो, कहीं भी रख दो, बस सेफ रहना चाहिए। 200% कहीं जाए, टेंशन नहीं मत। तो घर हमने सारा देख लिया, घर देख के अब हम आए हैं फ्रिज लेने, जिसके लिए हम वहाँ से इतनी दूर आए हैं। तो ये यहाँ पे आए हम रिलायंस में, यहाँ पे हमें चाहिए ब्लैक कलर की फ्रिज, क्योंकि हमारी किचन है ब्लैक, और उस वाले घर में हमें चाहिए थी वाइट, और हमें टीवी भी चाहिए, तो हम टीवी भी आज देखेंगे। हमें चाहिए 6 TV 6 TV। इसमें ब्लैक कलर ये है तो ना? ग्रे है, ब्लैक और ग्रे में कन्फ्यूजन होते हुए है ना, ब्लैक का है, LG का है। ये कौन सा टच वाला दिखाना। ये तो यहाँ पे होगी थोड़ी कन्फ्यूजन, क्योंकि मेरे को कोई नहीं पसंद आ रही, तो मैं मलंग साहब से पूछ रही हूँ। अगर तुझे नहीं पसंद है तो फिर बाद में मेरे को वो बोलोगे, तो मेरे को जो पसंद है वही ले। तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं सर। मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये खोलो। इसमें आप आ सकते हो, पहले पूरा देखो। मैं तो नहीं है, तू तो आ सकती है। तो वो ही तो गड़बड़ है, आप पूरे आने चाहिए ना। एम ही मेरे को कहीं फ्रिज में छुपा दोगे, चीज अच्छी लग रही है। फाइनली हमने ये वाला फ्रिज सेलेक्ट कर लिया है, अब हम देखेंगे वॉशिंग मशीन। फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, और टीवी लेने में कन्फ्यूजन हो रही है। वो मलन साहब डिसाइड कर रहे हैं, मैं तो यहाँ बैठ रही हूँ, मैं थक गई हूँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे आराम से बैठ गई। एक फ्रिज, दो वॉशिंग मशीन, 6 TV हमने ले लिए, डन कर दिया। तो फाइनली टूट के नींद से बुरा हाल हो रहा है, 10:30 बजे घर पहुंचे हैं हम। बाई गॉड, इतना ट्रैफिक, और मैट्रेस तो फिर भी हमारे रह गए। जिस काम के लिए हम गए थे वो आधा काम हुआ है, मैट्रेस रह गए हैं हमारे, उसके लिए फिर से जाना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। इश्क़ चचना।